नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इवेंट एनालिसिस के अगले एपिसोड में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, सरकार ने एक बहुत बड़ा मूव चला है चाइनीज ऐप के अगेंस्ट। 267 चाइनीज ऐप जो बैन किए थे सरकार ने, अब उनमें से बारी बारी करके सरकार अब परमानेंटली उनको बैन कर रही है। पहले जो बैन किया था उसमें एक अल्टीमेटम था कि आप में से बैन हटा सकते हैं हम, अगर आपके जो क्वेश्चंस दिए उनके आप सेटिस्फैक्टरी आंसर दे देते हो। सेटिस्फैक्टरी आंसर देना बहुत जरूरी था। उन क्वेश्चंस में क्या था वो उसके बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उनमें से जो 59 ऐप्स हैं उन्होंने जो आंसर दिया है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, तो इसलिए उन 59 ऐप्स को सरकार ने बैन कर दिया है, कंप्लीटली बैन, परमानेंट बैन कर दिया। इंडिया में वो ऐप अब नहीं चलेंगे। उनमें से कुछ बहुत मशहूर ऐप्स हैं जैसे कि टिकटॉक हुआ, वीचैट हुआ, बाइडू हुआ, अलीबाबा का जो यूसी ब्राउजर जो कई फोनों में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता था, मतलब हम चाहते भी नहीं यूसी ब्राउजर यूज करना, फिर भी अपने आप ही आता था वो हर फोन में। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो बैन ही हो गया, तो अब तो शायद ही आएगा वो किसी फोन में, और इंडिया में तो मेरे ख्याल से किसी भी फोन में नहीं आने वाला क्योंकि वो परमानेंटली बैन हो चुका है। अब दूसरी बात करते हैं, तो जो सरकार ने जो ऐप्स को परमानेंटली बैन किया है, ये सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट के अंडर बैन किया गया है। तो जो सरकार ने जो बैन किया है इसमें क्या कहा है सरकार ने कि ये भारत की संप्रभुता और अखंडता को मतलब एक तरीके से हानि पहुंचाता है। ये जो मतलब इनमें क्वेश्चंस में सरकार ने क्या पूछा था, सरकार ने कुछ चीजें पूछी थी उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। जो आईटी मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि जो क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे थे उसमें ये कहा था कि आपकी जो सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स का जो नंबर है उसको किस तरीके से आप मैनिपुलेट करते हो, किस तरीके से आप उनको यूज करते हो, और जो उनका जो डेटा है वो आप किस तरीके से यूज करते हो, उसको कहां पे स्टोर करते हो, और उस इन्फॉर्मेशन को आप किस तरीके से शेयर करते हो, उस इन्फॉर्मेशन को आप किस तरीके से प्रोसेस करते हो, और आपकी क्या सिक्योरिटी है, किस तरीके से आप उसको सिक्योर करते हो उस डेटा को जो आप यूजर्स का डेटा ले रहे हो। क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस उठाए गए थे कि अनऑथराइज डेटा एक्सेस हो रखा है काफी सारी चाइनीज कंपनीज का, और काफी सारी चाइनीज इवन चाइनीज गवर्नमेंट का भी कह रखा था कि चाइनीज गवर्नमेंट का भी अनऑथराइज एक्सेस हो रखा है, क्योंकि हो सकता है कि ये कंपनियां डायरेक्ट शेयर ना करती हो चाइनीज कंपनी को, लेकिन चाइनीज कंपनियां इनमें क्योंकि सिक्योरिटी जो फ्लॉ था, इनकी जो सिक्योरिटी वो बहुत ज्यादा वीक थी, तो इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट जो थी वो इसमें मतलब इस इनका जो एक तरीके से कहते हैं जैसे कि चाइनीज गवर्नमेंट मतलब खुफिया तरीके से इनके डेटा पे नजर लगाई हुई थी और काफी अच्छे तरीके से एनालाइज कर रही थी। तो उस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप चला था, और ये कब चला गया था ये तो हमें पता ही है कि जून के एंड में 2020 जून के एंड में ये स्टेप लिया था गवर्नमेंट ने, तो ये काफी अच्छा मूव है। इसके साथ साथ एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि इंडिया का जो जैसे पबजी बैन हुआ था, पबजी के जस्ट बाद जो मतलब न्यूज आई थी फौजी की, तो फौजी आज रिलीज हो चुका है। जाइए प्ले स्टोर पर, रजिस्टर कीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कीजिए उसे और खेल करके बताइए कि कैसा लगा आपको वो गेम। ये भी अपडेट मैं देना चाहता हूँ, ये बहुत एक्साइटिंग गेम होने वाला है मुझे पता है। आप अपना इंस्टॉल करिए, उस गेम को सक्सेसफुल बनाइए, क्योंकि ये इंडिया का अपना गेम है, सपोर्ट करिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम को। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ले बाय बाय।